हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? फिर से एक बार नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हिंदी में कैसे लिखें। हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें इंग्लिश वर्ड आते हैं, तो हम लोग हिंदी नहीं लिख पाते, तो हम लोग हिंदी में कैसे लिखें। तो मैं आज ऐसे एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, आप उससे हिंदी में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद गूगल कीबोर्ड डाउनलोड करना है। अब जैसे ही सर्च मारोगे तो सबसे पहले टॉप लिंक में आ जाएगा गूगल गूगल कीबोर्ड। सर्च मारोगे तो आ जाएगा और आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने जब पहले से इंस्टॉल कर लिया है, मेरा अपडेट का आ गया था, तो मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो इसे अपडेट करने के बाद अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद हमारा ये आ गया है, तो हम लोग इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें सिलेक्ट करना है सिलेक्ट इनपुट मेथड। तो हमें इस पर ओपन करने के बाद जो हमारा सैमसंग वाला जो कीबोर्ड है ना, जो हमारा सैमसंग वाला कीबोर्ड है वो बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। तो हमें इस पर सिंपली क्लिक करना है इंग्लिश वाले। ये डन हो गया। डन होने के बाद हमें सिलेक्ट इनपुट लैंग्वेज करना है। तो यहाँ पर लैंग्वेज सब है, हमें सबको हटा देना है। इंग्लिश रखना है, हिंदी रखना है। फिर आपको जैसे कि कोई मेरा, तो मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती रखूँगा, गुजराती रखना है। फिर आपको यहाँ से सिंपली बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद कीबोर्ड में आ जाना है। कीबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे उसका सेटिंग देख लेना है। तो सेटिंग यहाँ से सब ओके है। कीबोर्ड को टच करो और कोई साउंड आए तो आपको यहाँ पे रखना है, जो कीबोर्ड साउंड कीपैड साउंड भी चालू हो जाएगा। हम लोग यहाँ से कर लेते हैं उसका वॉल्यूम, जैसे कि आपको तेज़ रखना है, स्लो रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं रख देता हूँ 10%। 10% करने के बाद तो यहाँ पे फिर हमने 10% रख लिया और हम लोग जाएंगे बाहर। बाहर जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे सैमसंग नोट में जाऊँगा। नोट में जाने के बाद ये कोई भी लिंक, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड खुल गया है। तो जैसे कि हमें हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे हिंदी पे सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें लिखना है जैसे कि हेलो, तो हम लोग हिंदी इंग्लिश में हेलो लिखेंगे। यहाँ पे हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे हैं आप। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ऐसे नए वीडियो के साथ।